वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का रवैया पूरी तरह बदल गया था। जीएचएमसी के इंतखाबात में बीजेपी की शानदार कामयाबी के बाद बौखलाकर केसीआर दिल्ली आए और उनसे मुलाकात की और उनसे एनडीए में शामिल होने और तेलंगाना में केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आशीर्वाद देने की दरखास्त की। ताहम उन्होंने केसीआर की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने इंकशाफ किया कि उन्होंने उस दिन फैसला किया था कि बीआरएस के साथ इत्तेहाद करने का कोई फायदा नहीं है। कर्नाटका चुनाव में बीआरएस ने कांग्रेस की जमकर मदद की थी और अब इस चुनाव में कांग्रेस अपना कर्ज उतार रही है, क्योंकि कर्नाटक में भरपूर खजाना ये तेलंगाना की जनता से लूटा हुआ माल कर्नाटका में कांग्रेस को दे दिया गया ताकि वहां कांग्रेस जीत जाए, फिर उसको मिलकर के तेलंगाना में जीत जाए। ये बीआरएस खेल करती है भाइयों। मैं आज पहली बार एक रहस्य खोलने जा रहा हूं, खोल दूं, सच बता दूं भाइयों, पहले कभी नहीं बताया, आज बता देता हूं। और मेरे पत्रकार मित्रों से भी कहता हूं, जांच करवा लेना, शत प्रतिशत सच्चाई बताने आया हूं मैं आज। जब हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हुआ, भारतीय जनता पार्टी 40-45 सीटें जीत करके आ गई, 48। किसी को बहुमत नहीं मिला, केसीआर को सपोर्ट की जरूरत थी। और आपने देखा होगा,